भी वो रीत से कहती है, मैम मैं आपको सब सच सच बताती हूँ। वो बस इतना ही बोल पाती है कि इतने में रीत आके किरण से उसका हाथ छुड़ाती है और खुद उसका हाथ पकड़कर बिना कुछ बोले उसे घर से बाहर ले आती है। पर्पल लव प्रेजेंट्स स्टोरी तेरी होने लगी हूँ एपिसोड 10। लास्ट एपिसोड में हमने सुना रीत सुहानी को अपने घर लेके आती है। सुहानी को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो वॉशरूम में जाके मिरर में देख के खुद से ही बात करने लगती है। अब आगे रीत भी दूसरे रूम में चली जाती है रेडी होने। सुहानी भी शार लेके बाहर आती है, लेकिन उसने अपने पुराने ही कपड़े पहने थे। वो कमरे में बैठ के रीत का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर बाद रीत कमरे में आई और सुहानी को पुराने कपड़ों में देख उसने कहा, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? सुहानी ने जवाब दिया, मैं शार ले चुकी हूँ, बस पुराने कपड़े पहन लिए, घर जाके मैं चेंज कर लूंगी। सुहानी की बात सुनकर रीत वार्डरोब के पास गई और कोई अच्छी सी ड्रेस सेलेक्ट करने लगी। उसने एक ड्रेस बाहर निकालते हुए कहा, ये अच्छी लगेगी तुम पे, लो इसे पहन लो। सुहानी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या रिएक्शन दे। उसने कहा, आप इतनी जिद क्यों कर रही हैं? मैं घर जाके चेंज कर लूंगी ना। रीत ड्रेस हाथ में लेके सुहानी के पास जाती है और कहती है, जिद तुम कर रही हो। तब सुहानी थोड़ा तेज आवाज में कहती है, एक्सक्यूज मी, जिद मैं कर रही हूँ? इससे पहले सुहानी कुछ और कहती, रीत बोलती है, तुम खुद चेंज करोगी या मैं करवाऊँ? वैसे भी मैंने ये पहले भी किया हुआ है। रीत की बात सुन सुहानी थोड़ा नर्वस हो जाती है और कहती है, नहीं मैं खुद कर लूंगी। रीत उसे ड्रेस देते हुए कहती है, बेटर है, तो फिर ये लो कपड़े और जल्दी से तैयार हो जाओ। इतना बोल के रीत कार के पास उसका वेट करने लगती है। सुहानी जब तैयार होके स्टेयर केस से नीचे उतरती है और बाहर जाने को होती है, तब रीत की स्टेप मदर किरण उसे देख लेती हैं। वो सुहानी को पीछे से जाके पकड़ लेती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, चोर चोर, घर में चोर घुस आया है, ये लड़की चोरी करके भाग रही है। पहले तो सुहानी डर जाती है, लेकिन फिर उन्हें हल्का सा धक्का देते हुए खुद को छुड़ाती है और कहती है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं कोई चोर नहीं हूँ। किरण अपना मुंह बनाते हुए कहती है, तेरी जैसी लड़कियों को ना अच्छे से जानती हूँ, पहले ये बता तो मेरे घर के अंदर कैसे घुसी? हाँ, इतना बोल के वो सुहानी को धक्का मारती है और कहती है, तुम जैसे छोटे लोगों को मौका मिलता नहीं कि बिना किसी को बताए मुंह उठा के घर में घुसी चली आती हो, रुको मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। किरण का बिहेवियर देख सुहानी समझ गई थी कि इन्हें प्यार और इज्जत की भाषा समझ नहीं आएगी, इसलिए उसने भी अपनी तेज आवाज में कहा, एक्सक्यूज मी आंटी, ना तो मैंने आपसे कोई बदतमीजी की है और ना ही मैं कोई चोर हूँ, आप बिना सोचे समझे किसी को भी ऐसा कैसे बोल सकती हैं? खैर वैसे भी मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना बोल के सुहानी वहाँ से जाने लगती है, तभी किरण उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है और कहती है, एक तो चोरी करने आई है और ऊपर से जबान चलाती है। उधर रीत अपनी घड़ी देखती है और सोचती है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है सुहानी को। फिर वो खुद ही चेक करने घर के अंदर जाती है और अपने स्टेप मॉम और सुहानी को साथ में देखती है। रीत किरण की हरकतों से अच्छे से वाकिफ थी। रीत को देखते ही किरण बोलती है, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई, देखो ये लड़की घर से चोरी करके भाग रही है और तो और मुझे मारने की भी कोशिश करी। किरण की ये बात सुन सुहानी शॉक हो जाती है और सोचती है कि आखिर कोई इंसान इतना छोटा कैसे हो सकता है। तभी वो रीत से कहती है, मैम मैं आपको सब सच सच बताती हूँ। वो बस इतना ही बोल पाती है कि इतने में रीत आके किरण से उसका हाथ छुड़ाती है और खुद उसका हाथ पकड़कर बिना कुछ बोले उसे घर से बाहर ले आती है। कार में बैठते हुए रीत कहती है, अंदर जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। सुहानी रीत को देखे जा रही थी, वो समझने की कोशिश कर रही थी, आखिर रीत है क्या, कितना कॉम्प्लिकेटेड है उसे समझना। तभी रीत उसकी तरफ देखती है, सुहानी हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, अरे आप क्यों सॉरी बोल रही हैं, चलिए छोड़िए उन सब बातों को, अच्छा ये बताइए हम लोग जा कहाँ रहे हैं वैसे? अभी पता चल जाएगा। इतना बोलकर रीत कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है। रास्ते भर सुहानी रीत के बारे में ही सोच रही थी, उसे समझने की कोशिश कर रही थी, साथ ही साथ उसे बुरा भी लग रहा था कि रीत कितनी अच्छी है लेकिन कितनी अकेली है।
घर से भी कोई सपोर्ट नहीं है। उसके दिमाग में फिर से जोया की बातें घूमने लगी। दोनों लोग चुप थे, कोई बात नहीं कर रहे थे, लेकिन रीत की आंखें अपने कोनों से बीच बीच में सुहानी को देख जरूर रही थी। थोड़ी देर में कार एक 5-स्टार होटल के सामने रुकी। सुहानी और रीत ने जैसे ही होटल के मेन डोर से एंट्री ली, वहां का मैनेजर रीत को देख के बोला, गुड मॉर्निंग मैम, ब्रेकफास्ट के लिए आपका टेबल रेडी है, प्लीज कम विद मी दिस साइड। सुहानी वहां का इंटीरियर देख के हैरान थी, कितना आलीशान था। लेकिन थोड़ी देर में वो लोग एक गार्डन में पहुंच गए, पूरा हरा भरा और साथ में कितने प्यारे प्यारे फूल थे, कितनी ताजगी थी वहाँ। तभी मैनेजर ने एक टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा, मैम दिस वे। दोनों लोग टेबल के पास गए और अपनी अपनी चेयर पे बैठ गए। उनके टेबल के जस्ट बगल में ही एक छोटा सा पॉन्ड था जिसमें वाटरफॉल हो रहा था और उसके अंदर रियल की मछलियाँ थी और 2-3 छोटे छोटे टर्टल भी। पानी की कलकल आवाज, फूलों की खुशबू, ये सब मन को और भी ज़्यादा फ्रेश कर रहे थे। ये सब देख सुहानी के फेस पे स्माइल थी जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे स्माइल करता देख रीत भी स्माइल करने लगी। रीत के चेहरे पर जैसे ही सुहानी की नज़र पड़ी तो उसने पूछा, आप क्यों हंस रही हैं? रीत ने अपनी नज़रें सुहानी से हटा ली और तुरंत सीरियस होके कहा, नहीं मैं नहीं हंस रही हूँ। सुहानी ने आगे कहा, ठीक है चलिए मान लेते हैं, लेकिन ये बताइए सुबह से आप इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हैं? सुहानी की बात सुनके रीत ने पहले अपने चारों तरफ देखा और कहा, देखो सुहानी, मुझे बात घुमा फिरा के नहीं बोलनी आती, इसलिए सीधे शब्दों में बोल रही हूँ। रीत की बातों से सुहानी थोड़ा अलर्ट हो गई और ध्यान से उसकी बात सुनने लगी। रीत ने आगे बोला, तुमने कल जो भी मेरे लिए किया उसके लिए मैं तुम्हें कैसे थैंक्स बोलूँ मुझे नहीं पता। जिंदगी के हर बुरे से बुरे वक्त में अपने डर को जीता है मैंने, लेकिन बस एक डर को मैं आज तक नहीं जीत पाई, और लोगों ने मेरी इसी कमजोरी का बहुत इस्तेमाल किया है मुझे तोड़ने के लिए, लेकिन मैंने कभी किसी को जताया नहीं। लेकिन कल मैंने तुम्हें सब बता दिया और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इस कमजोरी के बारे में कभी किसी को कुछ भी ना बताओ। इसके लिए तुम जितने पैसे मांगोगी मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। रीत की लास्ट लाइन सुनके सुहानी हैरान हो गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। रीत ने थोड़ा रुक के आगे कहा, मुझे पता है तुम मेरे पास्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानती हो, और ये भी पता है कि जोया ने मेरी डायरी पढ़ ली थी। ये सुनकर इस बार सुहानी की हैरानी बेचैनी में बदलने लगी। वो सोचने लगी कि ये सब रीत को कैसे पता चला, कहीं जोया ने तो। तब रीत ने आगे कहा, उस दिन शाम को मैंने तुम दोनों को साथ में देखा था। नेक्स्ट डे जब जोया कैबिन में आई तो मैंने बस उससे इतना सा पूछा कि तुम और सुहानी कहीं बाहर गए थे। ये सुन के शायद वो थोड़ा नर्वस हो गई थी, और मुझसे झूठ बोलने की हिमाकत कोई करता नहीं, सो उसने सारी बात मुझे बता डाली। खैर, जोया मेरे साथ काफ़ी वक्त से है और उसे चीज़ें संभालना बहुत अच्छे से आता है, और उसके अलावा एक तुम हो जिसे मेरे पास्ट के बारे में पता है, और तुम अच्छे से जानती हो कि जब आपके अपने ही दुश्मन बन जाए तो उनसे खतरा सबसे ज़्यादा होता है, और इससे पहले कि मेरे दुश्मन तुम्हें खरीदें मैं तुम्हें खरीदना चाहती हूँ। ये सब सुन के सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। आखिर रीत ने उसे खरीदने की बात करके उसके अहम को चोट पहुँचाई थी, लेकिन फिर भी उसे इतना बुरा नहीं लग रहा था क्योंकि आज पहली बार रीत उससे अपने मन की बात बोल रही थी और सुहानी ध्यान से बस उसकी बात सुन रही थी। खैर, थोड़ी देर दोनों लोग इसी तरह खामोश रहे। रीत को लग रहा था कि सुहानी शायद ये सोच रही है कि उसे कितने पैसे मांगने चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि सुहानी अब क्या करेगी? क्या वो पैसे मांगेगी? और आखिर रीत ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी? जानेंगे अगले एपिसोड में। सुनने ज़रूर आइएगा। हाँ।